हेलो दोस्तों, स्मार्ट हेल्प में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में करने वाले अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस डाइवा की 32 इंच की नॉर्मल एलईडी के बारे में। डाइवा वैसे महाराष्ट्र की एक ब्रांड है, यानी कि मुंबई की, और इस पर आपको मिलती है 3 साल की ऑल ओवर वारंटी, यानी कि विथ पैनल आपको इस पर वारंटी भी मिल जाती है। इस पर स्टार रेटिंग की बात करें तो ये 4-स्टार रेटिंग है, यानी कि 54 यूनिट पर ईयर ये कंज्यूम करता है। और जो स्टिकर है ये है 2019 का, और आप देख सकते हैं 32 इंच की है। ऑल ओवर पैकिंग की बात करें तो अच्छी पैकिंग है, अभी तक पैकिंग अच्छी है। अब देखते हैं अंदर से क्या निकल के आता है। और एक बात और आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको मिलता है बिल्ट इन साउंड बार, यानी कि एलईडी के अंदर ही आपको मिल जाता है साउंड बार, तो अलग से आपको कोई भी साउंड बार परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसको फटाफट कर देते हैं अनबॉक्स। वैसे हमने खोल दी थी, इसको निकाल देते हैं बाहर। पैकिंग बहुत ही शानदार आपको मिलने वाली है इस एलईडी के अंदर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की पैकिंग है। बॉक्स पूरा खाली है, उसको साइड में रख देते हैं। और नीचे की तरफ इसके ये मिलता है कुछ एसेसरीज वाला ये थैला। इसमें आपको दो मिलते हैं बॉटम साइड के स्टैंड, और भी आपको इसमें एसेसरीज मिलती है। ये है वॉल माउंट स्टैंड, कुछ अलग टाइप का है। AAA बैटरीज जो कि है एवरीडे ब्रांड की। रिमोट ये मिलता है आपको, रिमोट कंट्रोल। और आपको साथ ही साथ मिलता है इसमें ये दिवाली धमाका ऑफर वाला वारंटी कार्ड 1+2, यानी कि 1 साल की आपको ऑल ओवर वारंटी मिलती है। 2 साल की आपको जब मिलेगी तब आप इसकी साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये है इसका यूजर मैनुअल, इसको डाल देते अंदर, कुछ काम आने वाला वैसे है नहीं। और अंदर आपको मिल भी जाते हैं, स्क्रू भी आपको मिल जाते हैं अंदर की तरफ। इसको फटाफट अंदर डाल देते हैं। और इसकी आप पैकिंग देखिए, बहुत ही शानदार तरीके की पैकिंग दी गई है, जैसे कोई ब्रीफकेस हो। ये है एलईडी टीवी। और इस डिब्बे को अभी थोड़ा सा सिमट देते हैं। ये है डाइवा की 32 इंच की एलईडी टीवी। और आपको कुछ बता देता हूँ क्लोज, क्योंकि आपको कुछ यहाँ पर यूनिक चीज़ भी मिल जाती है, जो है इसका साउंड बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे की तरफ इसमें साउंड बार का अटैचमेंट दे रखा है, तो इसका साउंड भी कुछ अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि साउंड बार इसमें है, तो फिर आपको पता ही है क्वालिटी अच्छी होगी साउंड की। इसका जूम आउट कर देते हैं, अब ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है डाइवा की एलईडी। इसके पोर्ट की बात करें तो इसमें आपको वही बेसिक से पोर्ट मिलते हैं, रोज़ रोज़ बोलने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। ईयरफोन यूएसबी के 2 पोर्ट, बाकी एवी जो वाले पोर्ट होते हैं तो आप सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करेंगे वो। बाकी RF है, PC ऑडियो है, VGA, HDMI दोनों मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, और AV आउट वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। बाकी एक ही बात बार बार बोलने से कोई मतलब नहीं है, आप देख सकते हैं। और इस पर ये स्टिकर लगा हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, ब्राइट पिक्चर क्वालिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है सिनेमा जूम, यानी कि मूवी चलती मूवी आप इसमें जूम भी कर सकते हैं। वायरलेस हेडफोन कनेक्टिविटी, और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्मार्ट पावर सेविंग, ये सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो इसके रिमोट भी देखना पड़ेगा उसमें और भी क्या क्या फीचर्स है। अब इसको पहले फटाफट करते हैं ऑन और आपको बताते हैं क्वालिटी, और उसके बाद आपको बताएंगे इसके फीचर्स और क्वालिटी आपको बराबर बता देंगे। HDMI 1 में हम डाल देते हैं केबल यहाँ पर, और यहाँ पर ये बॉक्स है। तो ये है LED डाइवा ब्रांड की, इसको ऑन कर देते हैं फटाफट। यहाँ पर ब्रांडिंग आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये आ गई है डाइवा की ब्रांडिंग, और यहाँ पर अब चैनल भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आ गया है डिस्कवरी HD। यहाँ पर ISO थोड़ा सा कम कर देते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी का पता लग रहा होगा कि वास्तव में पिक्चर क्वालिटी कैसी है। अब साउंड की बात करें तो मुझे इसके रिमोट में सेल डालने पड़ेंगे, या फिर हमें साइड वाली जो वॉल्यूम वाली की है इससे मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। इसके बाद आपको बताऊँगा कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी है।
tempering the beans ensures a consistent grind. And if you were to grind that right away, you would have very chunky outside bits, and then you would have a very fine powder. आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड की क्वालिटी बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये एक साउंड बार इसके नीचे लगा हुआ है, इसके एलईडी के नीचे, इसीलिए इसका साउंड थोड़ा सा अच्छा है दूसरी एलईडी से। और इसमें जो रिमोट कंट्रोल दे रखा है, इसके बारे में आप देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं इसके रिमोट में। रिमोट की बात करते हैं, बेसिक सा रिमोट है, इसमें कोई ख़ास फीचर्स है नहीं। आप देख सकते हैं जो बेसिक से फीचर आते हैं, फीचर्स वही इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो आई थिंक आपको इसका रिव्यू समझ में आ गया होगा एलईडी का, कि वास्तव में इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसी है और साउंड क्वालिटी कैसी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट हेल्प को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे कि आपके लिए हम नई नई ब्रांड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू और कुछ यूनिक आइटम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए, चेकआउट कीजिए, अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो तो आप इन्जॉय कर ही सकते हैं। तो आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखें और टेक केयर। बाय 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 बाय।